हेलो विन में आपका स्वागत है गाइस इट्स खुशखबरी है सभी के लिए जो ना यूपीपीएससी में जो नर्सिंग की वैकेंसी थी उसका भरा था फॉरम और उनका मेंस के लिए जो नेक्स्ट आपके लिए आया अपडेट तो आप देख सकते हैं जो स्टाफ नर्स की जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी ठीक है प्रयागराज ये 20 फरवरी मतलब अभी अभी जस्ट आया नोटिस लेकिन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन ठीक है इक्कीस आठ दो हजार तेईस के माध्यम से विज्ञप्ति स्टाफ नर्स एलोपैथी पुरुष और महिला दोनों की वैकेंसी निकली थी लगभग कुल तीन हजार की समथिंग

मतलब जितने उन्हें पद चाहिए थे है ना इसके फिफ्टीन टाइम्स उन्हें 15 लोग लेने थे इतने लोग अवेलेबल नहीं हुए हैं ठीक है ठीक है अत उक्त परीक्षा के आधार पर चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग महिला शाखा की मुख्य परीक्षा हेतु कुल अट्ठाईस अभ्यर्थी अभ्यर्थियों को तथा पुरुष शाखा के कुल पुरुष शाखा के कुल ग्यारह अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है ठीक है कुल अभ्यर्थी जो है ना अठाईसो सात है ठीक है पुरुष है पुरुष पुरुष शाखा के के मतलब मतलब उन मिल गए होंगे तो दस गुना से भी बहुत कम है तो उन्हें जितने लोग मिले उनकी मतलब जो एलिजिबिलिटी के आधार पर जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया तो वो उन्होंने परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट इसमें आपको मिल जाएगा अभ्यर्थी के प्राप्त एवं कट ऑफ अंक आदि की सूचना अंतिम चय परिणाम घोषित होने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट होगी मतलब इसकी जो कट ऑफ और वगैरह जो इन्होंने बनाई है ठीक है और से मिनिमम सिलेक्शन लिस्ट जो इन्होंने मार्क्स रखे हैं तो वो सब चीजें जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ही प्रत्यक्ष से कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाए मतलब अगर आप चाहें तो सूचना अधिकार इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू तो आप पता कर सकते हैं ऐसा कुछ ऐसा होने का हम नहीं बताएंगे उसके पूछा तो हम नहीं बताएंगे अब नीचे ये जो लिस्ट दी गई है

जिसमें से 1155 मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है तो इनमें से लकी रोल नंबर आपका किसका है देखो बात सुनो इसमें जो भी फॉर्म भर रहा है उसको मेरे ख्याल से मैक्सिमम अगर इन्होंने जब 15 गुना लेने थे और इन 1155 सौ पचपन में तो मैक्सिमम जिनकी एलिजिबिलिटी इनके अकॉर्डिंग थी जिनकी इन्होंने मांग ली उन सभी कैंडिडेटों को इन्होंने अलाउ कर दिया है ठीक है और ग्यारह अठाई सौ सात में से बची हुई सारी फीमेल कैंडिडेट थी ठीक है अभी टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट जो मेल्स के थे वो ग्यारह थे अब ये फीमेल्स के जो स्टाफ नर्स के जो कैंडिडेट है वो ये रहे ये टोटल कितने हैं बात करते हैं एक सेकंड ज्यादा होंगे थोड़ा आ, फीमेल फीमेल ये टोटल इन्होंने क्वालिफाइड बताया कैंडिडेट ठीक है तो कुल इस हिसाब से इन्होंने मतलब जितने थे उन्होंने कहा कि पंद्रह गुना उन्हें लेने थे लेकिन पंद्रह गुना नहीं आए बट अब क्या कर सकते हैं जो आए थे जिनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी थी, थी तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग इनको ले लिया अब मेन्स एग्जामिनेशन में भाई आप लोग प्रिपेयर कर लो अपना जो आपको सिलेबस वगैरह रिगार्डिंग में आपको डिटेल में बता दूंगा क्या कुछ रहेगा ठीक है

कैंडिडेट इन्होंने किए हैं कितनी पोस्ट पोस्ट के लिए आप तो लो यार मतलब एक तरीके से दुगने हैं सत्रह दुनिया अड़तीस अर्त, मतलब उन्हें लेने थे पंद्रह गुना और केवल दुगने ही लोग मिल पाए हैं तो सोचो एक पोस्ट पे जो पंद्रह लोग फाइट करते थे वहां पे केवल दो लोग फाइट कर रहे हैं आपका कंपटीशन कितने कम हो गया भाई सॉरी 13 15 कम हो गया तो ये चीज़ देखो यार यही सिलेक्शन लेने का मतलब मौका होता है देखो मौका तो मिलता रहेगा पर ये जो चीज होता है कि आपका बैटल यहीं पे पर, 13 15 कम हो गया तो ये ग्रेड है आपके लिए न्यूज है ठीक है तो फटाफट -पड़ से जाओ अपना देख लो इसमें जैसी लिस्ट में नाम हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई मेरा नाम है तो बस अब नेक्स्ट वीडियो में इसके मीन जो का सिलेबस वगैरह कुछ भी जो भी रहेगा जो भी आपको प्रोसेस रहेगा उसके बारे में बताऊंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद